बिफोर गोइंग इन टू द डिटेलिंग्स ऑफ व्हाट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर, क्यों जरूरत है, किसी को पता है कि एंटरप्राइज क्या होता है, व्हाट इज एन एंटरप्राइज, जब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे लेट्स डिस्कस व्हाट इज एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होता है, एक फर्म होता है. एंटरप्राइज होता क्या है मैम? बिजनेस या कंपनी? बिजनेस या कंपनी होती है एक एंटरप्राइज. क्या बिजनेस एक या कंपनी अकेले बनती है कि लोगों से बनती है? क्या कोई बिजनेस और कंपनी अकेली खुद खड़ी हो सकती है कि वो लोगों से बनती है? लोगों से बनती है. यस, और कोई मुझे बता सकता है और क्या चीजें जरूरी होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए? बेसिक सा क्वेश्चन है, हम कॉमर्स के बच्चे, एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, बता सकते हो? कैपिटल. कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए, मनी, मनी मैन आगे आ सकता है, मटेरियल. यस वेरी गुड, मनी मैन मटेरियल. और कुछ बता सकते हो? यस मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज मैनेजमेंट चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए. पैसे आ गए, मटेरियल भी आ गया और बाकी चीजें भी आ गई, मैन भी आ गए प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो बिजनेस रन नहीं कर सकता. तुम लोग ने पूरा डेफिनेशन बोल दिया. और कोई बोल सकता है एक बिजनेस को रन करने के लिए और क्या चाहिए? यस लेबर. यस कोई बोल सकता है? इन्वेस्टमेंट. राज बोल रहा है इन्वेस्टमेंट. मेरे को बहुत खुशी हुई राज ने आंसर दिया है. इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है. क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है? अरे पैसा आया है, हमने उसको प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दिया है, मटेरियल में लगा दिया है, लेकिन हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ द मनी, कौन से वेंडर को चूज करना है, कौन सा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, ये सब देखने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट देखना है, यानी कि हमको फाइनेंस सेक्टर में भी देखना है. अब तुमको ये सब डिस्कस करते हुए ये ध्यान में आया होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं. क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं. एक सेकंड, गौतमी को, गौतमी का एडमिशन है. बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं कोई भी चीज के हो. अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द CEO of an airline industry. कौन हो तुम लोग? CEO हो of an airline industry. You have 100 planes. You have to go in more than 50 cities in many countries. एक कंट्री में 50 cities में तुम्हारा go and come है. ठीक है, you have to go and come from there. You have 100 planes. You are the CEO of the airline industry. You have more than 10,000 employees and more than millions of customer in a year. Tell me, how are you going to manage everything? Employees को manage करोगे? कौन सी plane कहाँ route कर रही है? एक centralized चीज चाहिए होगी ना इन सब चीजों को manage करने के लिए. चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? Yes or no बोलना. जैसे जैसे business बढ़ता है वैसे वैसे management चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? Yes or no? Yes. यस यस शिफाली चाहिए. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. ये तो मैंने तुमको एयरलाइन इंडस्ट्री की बात बताई, मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जहाँ पे टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, कौन सी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, एंड वाई ईआरपी इज इम्पोर्टेंट. वंस वी गेट वाई ईआरपी इज इम्पोर्टेंट, देन वी विल गेट टू नो वट इज ईआरपी. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. एक सेकेंड होल्ड करना. Let's examine this typical business. A client approaches the sales team to buy a particular product. मैं तुमको एक्सप्लेन भी करती हूँ, अगर तुमको सुनाई नहीं आया तो भी आई एक्सप्लेन. एक कस्टमर आता है अपने पास, क्या करता है वो? ऑर्डर करता है कि हमको गुड्स चाहिए. एक सेकेंड, मेरे को फिर से एडमिशन आ रहा है, एक ही सेकेंड है, सॉरी. हाँ मैं फिर से पीछे लेके जाती हूँ. आई लगे A client approaches the sales team to buy a particular product. उसको कुछ buy करना है, इसीलिए वो अपने पास क्या आता है? Approach करता है. See now what happens. The sales team approaches the inventory. So sales team जाती है inventory के पास. समझो for example, खुशी आई मेरे पास. मैं sales team हूँ. मेरे पास आई खुशी as a customer कि मुझे मैम ये product चाहिए. ठीक है, मैं क्या करूंगी? मुझे तो पता नहीं है, मेरे को inventory से वो product लाके खुशी को देना है यानी customer को देना है. तो मैं इन्वेंट्री के पास जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है या नहीं. ठीक है, तो सेल्स इज कोऑर्डिनेटिंग टू द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट. आगे डिपार्टमेंट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इन दिस केस द प्रोडक्ट इज आउट.
इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल तो देखना कैसे साइकिल बढ़ता जाएगा. पहले क्या हुआ, खुशी आई मैम मेरे पास, सेल्स डिपार्टमेंट के पास, कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. मैंने बोला ओके वेट आई विल चेक इट विद इन्वेंट्री वेदर इट्स देयर और नॉट. इन्वेंट्री के पास पता चलता है द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल. अब इन्वेंट्री वाला आगे देखना क्या करता है. आउट ऑफ स्टॉक. द सेल्स टीम अप्रोचेस द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. अब नहीं है तो सेल्स टीम क्या बोलेगा, अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम प्लानिंग करो अभी इस गुड्स की प्रोडक्शन करो क्योंकि खुशी को इसका डिमांड है, शी वांट्स दैट प्रोडक्ट. ठीक है, फिर आगे देखना क्या होगा. द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम चेक्स विद द इन्वेंटरी डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन प्लानिंग टीम इन्वेंटरी के पास क्यों जाती है, कोई बता सकता है? प्रोडक्शन को क्या बोला, इस गुड्स का प्रोडक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है, ठीक है, इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करो, तो वो इन्वेंटरी के पास क्यों जाती है, बता सकते हो कोई भी रैंडमली? यस, इतनी अवेलेबल स्टॉक चेक करने के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. वेरी गुड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देखने के लिए. प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है. अब देखना रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इन्वेंटरी टीम क्या करती है. ओके, मैं प्ले करती हूँ इसको. व्हाई इज इट नॉट प्लेइंग, एक सेकंड. फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. If raw material is not available within the inventory, the production planning team buys the raw material from the vendors. अब production planning team vendors के पास जाती है और उनसे वो buy करती है raw material. ठीक है, next देखते हैं. Then production planning forwards the raw materials to the shop floor. अब वो raw material खरीद के vendors से किसको देती है, shop floor execution वालों को, जो क्या करने वाले actual फोन का प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, जो शॉप यानी कि रूट वर्क काम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. वंस रेडी द शॉप फ्लोर टीम फॉर. एक बार रेडी हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे दे दिया. अब किरण मैम के पास आ गया, किरण मैम क्या करेगी, खुशी को देंगे. फिर आगे देखना क्या होता है. फॉरवर्ड्स द गुड्स टू द सेल्स टीम हु इन टर्न डिलीवर इट टू द क्लाइंट. मैं खुशी को दे दूंगी. द सेल्स टीम अपडेट्स द फाइनेंस. अब मैं सेल्स हूँ तो मैं क्या करूंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाऊंगी कि देख भाई मेरे को पैसे मिल गए. ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट विद रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम अपडेट्स द फाइनेंस. पर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम भी क्या बताती है, अपडेट करती है फाइनेंस वाले को कि मैंने ये वेंडर से उधारी पे माल खरीदा था, देखो इसको पे करना है. प्रोडक्शन प्लानिंग टीम भी बताती है. फाइनेंस डिपार्टमेंट विद पेमेंट्स टू बी मेड टू डिफरेंट वेंडर्स फॉर रॉ मटेरियल्स. All departments approach HR for any human resource. अब ये सारे departments किसके पास जाते हैं, HR के पास जाते हैं, यानी human resource जो employees होते हैं उनके पास जाते हैं execute करने के लिए सब कुछ. Related issue. That is the typical business process. अब ये क्या था, ये एक typical business process था. क्या था ये, typical business process था. तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, इतने सारे डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकते. ये लोग वर्क कैसे कर सकते, एक दूसरे के साथ काम करके वर्क कर सकते, इंडिविजुअली दे कैन नॉट वर्क. देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेशन. अब तो ये तो चलो छोटा सा एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि यहाँ पे खुशी आ गई, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए था. तुमको क्या लगता है क्या रियल लाइफ में बड़े बड़े एंटरप्राइजेस में, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स के पास, बिजनेस के पास क्या इतना टाइम होता है क्या, अरे मेरा ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तू दे दे. ये इसको बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, तू दे दे. ऐसे नहीं चलता है. सो ऑल दिस नीड्स इंटीग्रेटेड. हियर इज वेयर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर. एंटरप्राइज मीन्स ऑल द पीपल टुगेदर कम टुगेदर, दे पुट देयर द मैन मटेरियल मनी पुट टुगेदर और वो अपना गोल अचीव करते हैं. ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, जो जो रिसोर्सेस हमको लगते हैं, इन सब को हम जब प्लान करते हैं तब होता है ERP. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर से हम लोग एक वीडियो पे आ जाएंगे और एग्जांपल देखेंगे. बिफोर दैट वील कंप्लीट दिस वीडियो. ओके, क्लियरली दिख रहा है तुमको? यस, ओके ओके, मैं शेयर करती हूँ. ओके है अभी. Derived from the scenario would be
A typical enterprise has many departments or business units. हमने एक typical enterprise में बहुत सारे departments देखे, जैसे कि manufacturing में हो गया, production हो गया, raw material acquisition हो गया, raw material acquisition के बाद floor work पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको floor work पे सामान लाके देना, फिर उनके पास अगर सामान नहीं है, तो फिर से vendor के पास जाना, finance वाला department, ऐसे बहुत सारे department होते एक typical enterprise में. These departments or business units continuously communicate and exchange data with each other. Now see, these departments are working with a common data. They all need a data which needs to be exchanged and also should be available to each and everyone at real time. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना इनको 10 यूनिट्स की मतलब मुझे 10 यूनिट्स की जरूरत है because मेरे को कस्टमर को देना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 10 दिन बाद पता चले. It should be real time. इसीलिए डाटा शुड बी सेंट्रलाइज्ड. ओके. The success of any organization lies in its effective communication and data exchange within these departments. For an organization to be successful, it is very important कि different जो जो departments है उनके बीच में डाटा एक्सचेंज रियल टाइम पे हो. यही ये बताना चाहता है. With this video अपने को बहुत सारे आइडिया आ गए. What is ERP? Now let's get into our textbook to know what is actually ERP. Okay? What is an enterprise? तुमको जैसे बताया था enterprise क्या होता है तुम सबको पता but हम लोग read करते हैं. An enterprise is a group of people and other resources. मैंने बोला था लोगों के साथ एक enterprise बनती है. ठीक है? It is a group of people and other resources working together for a common goal. Other resources जैसे तुम लोगों ने answer दिया था money, किसी ने answer दिया था finance, किसी ने answer दिया था investment. ये सारे लोग आपस में मिला के जब अपना goal achieve करते उसको कहा जाता है enterprise. An enterprise acts as a single entity and an organization is divided into different units based on the operations performed in it. मैंने तुमको बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. ये डिपार्टमेंट आपस में एक साथ एक कॉमन डेटाबेस से वर्क करते हैं. व्हाई? बिकॉज़ टू अचीव देयर गोल. ठीक है? एन एंटरप्राइज मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस सच एज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, प्लानिंग, सेल्स, परचेसेस, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने देखा. ठीक है? Each department will have their own duties and responsibilities. जैसे कि sales department की responsibility क्या थी? कि मेरे को inventory के साथ checkup लेना है कि है कि नहीं. Inventory की responsibility क्या थी? कि अगर मेरे पास माल है तो मैं इधर दूंगी. अगर मेरे पास goods नहीं है, माल नहीं है, तो फिर मैं production department को बोलूंगी. So हर department की अपनी अपनी एक responsibility होती है. And they are working to achieve the objective which is set for the enterprise. These all departments are working together. Why? To achieve their objective. एक rough idea आ गया क्या तुमको enterprise क्या होता है? Yes. एक rough idea आ गया enterprise क्या होता है? मुझे कोई randomly बता सकते हैं what is an enterprise? Enterprise comprises of what and what are their functions and why they both need a common database? Four questions है. Four questions का answer दे सकता है कोई? Yes. Enterprise क्या होता है? Enterprise में कितने सारे departments होते हैं? इस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सबको कॉमन डाटाबेस क्यों चाहिए होता है? यस, बोलो. प्रोडक्शन प्लानिंग. ये बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स. ये बहुत सारे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एंटरप्राइज में. यस, डिपार्टमेंट को अपने अपने गोल्स एंड जो ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं वो अचीव करना. ओके. हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. And coming back to the topic, these all departments work together and need a common database. Why they need a common database? To connect with each other and एक दूसरे की चीजें पता चलेगी तो they can work efficiently. Okay? आगे बढ़ते हैं. What is resource पे? हमने देखा what is enterprise. हम लोग अभी देखते हैं what is resource. Okay? There are different types of resources in an enterprise like men, material, money and machine. ये सब हम लोग देख चुके थे. तुम लोगों ने बोला एक enterprise किन किन चीजों से बनता है? Men, material, money and machine. Information system can be designed for various departments of an enterprise so that accurate and timely data can be provided to the concerned person. कहा जाता है ERP की वजह से हमको पता चलता है कि कौन से department को कितना resource चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो हमने वीडियो देखी उसमें हमको ये समझ में आ गया कि जो इन्वेंट्री के पास इन्वेंट्री नहीं थी
तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, वेंडर्स के पास चला गया, वेंडर्स के पास चला गया और उनसे क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया और फिर क्या किया, प्रोडक्शन किया. सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के हिसाब से हम रिसोर्स अवेलेबिलिटी कर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर. ओके, आगे बढ़ते. वॉट इज प्लानिंग एंड वाई इट इज नेसेसरी. प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली अगर तुम प्लानिंग ठीक से करोगे तुम्हारा फ्यूचर परफॉर्मेंस और अच्छा होते जाएगा, तुम्हारा वेस्टेज और कम होते जाएगा, तुम एम्प्लॉइज को ऑप्टिमाइजली यूज कर पाओगे एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज दैट इज मेन मटेरियल मनी एंड मशीन. ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये हमने देखा एंटरप्राइज क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है और प्लानिंग क्या होती है. अब हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ईआरपी क्यों आया. एक पैराग्राफ दिया गया है और दो इमेजेस दिए गए हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है कि ट्रेडिशनल कैसे प्रैक्टिस होता था और आज कैसे प्रैक्टिस होता है. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ईआरपी पे आ जाना. कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड सम एंटरप्राइजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे एंटरप्राइजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. So the information that is produced by each department may be available only to the top management of the department. अब मैं example देती हूँ उसका कैसे. अगर for example यहाँ पे चार processes है. ठीक है, क्या है, चार processes है, A process, B process, C process and D process. A के बाद B process होगा, B के बाद C process होगा और C के बाद D process होगा. अब A process के अंदर A manager है, B प्रोसेस के अंदर B मैनेजर है, C प्रोसेस के अंदर C मैनेजर है, D प्रोसेस के अंदर D मैनेजर है. A प्रोसेस के अंदर 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सिमिलरली B, C, D में भी 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं. अब मुझे बताना, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉरी बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उसका जो टॉप मैनेजर है, जैसे A वाले डिपार्टमेंट का, A प्रोसेस का टॉप मैनेजर क्या है, A, B का क्या है, B, C का क्या है, C एंड D का क्या है, D. सिर्फ उनको ही उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होती है. फिर A B के साथ बात करता है कि ये मेरा प्रोग्रेस है, फिर B C के साथ बात करता है कि ये मेरा प्रोग्रेस है, फिर C D के साथ बात करता है कि ये मेरा प्रोग्रेस है. इससे क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम मिलता है. तो क्या करता है ERP is a software wherein it integrates all these modules. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा था खुशी वाला, खुशी आती है मेरे पास एक मोबाइल फोन के लिए. वैसे ही अगर कोई मेरे पास कस्टमर आता है, वो मुझे बोलता है 100 मोबाइल फोन चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, 100 मोबाइल फोन. जैसे ही मेरे पास एक ऑर्डर आता है तो जैसे ही मैं अपडेट करती हूँ ERP सॉफ्टवेयर के पास, तो वो डायरेक्टली फ्लैश कर देता है बाकी पांचों मॉड्यूल्स को और बता देता है उनको कि अरे स्टॉक है या नहीं, अगर स्टॉक नहीं है तो वेंडर कौन सा है, फाइनेंस वाला देखता है एंड आपस में सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं. इससे क्या होता है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है एंड टाइमली 100 गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर जिसने मुझे 100 गुड्स के ऑर्डर दिए थे. क्या तुमको एक कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अगर हमको अच्छे से मैनेज करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमको ईआरपी सॉफ्टवेयर जरूरी है. ठीक है, फिर से मैं टेक्स्ट बुक पे आती हूँ. आई कंप्लीट दिस पैराग्राफ एंड आई शो यू वीडियो. ठीक है, सो इन सम एंटरप्राइजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली. सो द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच डिपार्टमेंट मे बी ओनली अवेलेबल टू द टॉप Only to the top management of the department. जैसे मैंने बोला A वाला जो department है सिर्फ A के manager को ही पता होगा and it is not available to the other departments. इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा problem होता है, delay हो जाता है, time waste होता है, cost ज्यादा लगता है, profit कम कमाते हैं. So in figure 6.2 तुम लोग देखोगे सब लोग अलग अलग है, database साथ में नहीं है. पर 6.3 पे आओगे तो देखना production, finance, marketing, HR, what is that, production and sales and distribution, उन सब के बीच में एक centralized database है. तुम सबको मैंने 11th standard में cloud का concept पढ़ाया था. Cloud के concept में मैंने तुमको क्या पढ़ाया था कि real time हम लोग data check out कर सकते हैं. जैसे कि for example मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
मेरी टीम यहाँ बैठी है लेकिन मेरे पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ऑफ माय ईआरपी सॉफ्टवेयर. मैं दिल्ली में बैठ के जब लॉग इन करती हूँ मुझे एज एन एग्जीक्यूटिव कम्प्लीटली दिख रहा है कि मेरी टीम क्या वर्क कर रही है बिकॉज ऑफ अ शेयर्ड डाटाबेस दैट इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड एंड आई कैन एक्सेस दैट डाटाबेस एनीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ शेयर्ड डाटाबेस, दिस इज बिकॉज ऑफ ईआरपी, this is because of integration of various modules jaise ki purchase, production, investment, finance, hr, marketing, selling and distribution etc etc. theek hai, ye dono figures se aur bhi zyada clear ho jata hai. in figure 6.2 there is no communication between different sections of an enterprise. the erp system often integrates accounts payables. ab erp kya karta hai 6.2 में तो नहीं है लेकिन ईआरपी क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स. इंटीग्रेट्स मतलब वो सब को साथ में लाता है. ठीक है, अकाउंट्स पेएबल्स, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम्स, ऑर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड कस्टमर डाटाबेस इनटू वन सिस्टम. हम लोगों ने बहुत ज्यादा टेक्निकल पढ़ लिया है, हम लोग एक वीडियो देखते हैं. ठीक है, उसके बाद में हम आगे आते हैं थ्योरी पे. थोड़ा बहुत सबको ध्यान में आ गया होगा व्हाट इज ईआरपी, व्हाट इज एंटरप्राइज, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड ईआरपी. हम लोग थोड़ा सा एक डिटेल देखते हैं विद अ वीडियो, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. समबडी जस्ट रैंडमली टेल मी कि दिख रहा है कि नहीं. ओके, as well as जोको को मिलेंगे. दिस इज अ पर्सन नेम जोको, ये हमको उसकी स्टोरी बताएगा. ओके, एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ये करती हूँ फिर तुमको अच्छे से दिखेगा. दिस इज, एक सेकंड ना, शेयर स्क्रीन. ओके, मुझे बताना क्लियरली दिख रहा है. इज जाको. हेलो Jocko used to run his business manually. He depended too much on paper records that are easy. ये क्या करता था? अपना business बहुत ज़्यादा क्या करता था? Manually run करता था. हम lag हो रहा है बहुत. Problem आ रहा है. एक second. मैं फिर से share करती हूँ. एक second. ये इधर ना बहुत problem देता है. Is Jocko. Hello. Jocko used to run his business manually. What he used to do? He used to run his business manually. देखना उसको कितने problems आते थे. Paper संभालना, security संभालना, बहुत सारी चीजें issues होते थे. He depended too much on paper records that are easily misplaced, torn, and damaged. Moreover, Jocko's software didn't work properly and couldn't provide optimum benefits for his business. Until one day, he realized that he needed a system that automates and integrates his business. उसको ऐसा लगा कि जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो भी वर्क नहीं कर रहा था. माय बिजनेस वाज गोइंग इन हैपजार्ड मैनर बिकॉज़ ही वाज डिपेंडिंग अ लॉट ऑन द मैनुअल वर्क. देन ही रियलाइज्ड वन डे दैट ही नीड्स अ सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ऑल हिज मॉड्यूल्स एंड वो थोड़ा निवांत हो जाए और सब कुछ एकदम एग्जैक्टली जैसे उसको प्रोसेसेस equip. दे आर एक्चुअली एडवर्टाइजिंग. जो ईआरपी के पैकेजेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, वन ऑफ देम इज इक्विप. तो ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है जहां से मैंने ये वीडियो ली है. सो यहां पे वो इक्विप मतलब क्या है? ईआरपी ही है. ओके, ईआरपी बाय हैश माइक्रो इज अ फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट स्ट्रीमलाइंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम सेल्स, इन्वेंटरी, प्रोजेक्ट्स, अकाउंट, सेल्स, इन्वेंटरी, प्रोजेक्ट, अकाउंटिंग, ये सब कुछ करेगा. आगे देखते हैं सीआरएम, इनवॉइसेस. CRM यानी कस्टमर का डाटा, invoices यानी जो भी invoices generate होते हैं जिससे हमको payment मिलेगा. ठीक है, to supply chains and supply chain मतलब procurement of goods. ठीक है, ये सब वो manage करेगा. many more, all can be managed through a single system. ये सब चीज
चीज है हम लोग किससे मैनेज करते हैं एक सिंपल सिस्टम के साथ दैट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर ओके अनलाइक अदर ईआरपी सिस्टम्स इक्विप ईआरपी प्रोवाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी ईज ऑफ यूज विद लोअर ऑब्वियसली ईज ऑफ यूज हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैंने तुमको एग्जांपल दिया मैं दिल्ली से भी सब कुछ एक्सेस कर सकती हूँ सब कुछ एक साथ हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा कस्टमर को हाथ में सर्विस मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंटली कॉस्ट कम लगते हैं टाइम बचता है प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो और तुम बाकी कंसर्न्स पे ज्यादा ध्यान देते हो ना कि मैं ये सोचते बैठू अरे ये गुड्स है कि नहीं इसको इन्वेंटरी मिला कि नहीं काम बराबर हो रहा है कि नहीं इसको छोड़ के मैं स्ट्रैटेजीज पे ध्यान दे सकती हूँ मैं एग्जीक्यूटिव का काम कर सकती हूँ गधों के जैसे फ्लोर वर्क पे ध्यान नहीं दूंगी बिकॉज ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स ऑन टॉप ऑफ दैट इक्विप ईआरपी आल्सो सर्व्स मोर देन 9 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही नहीं रिटेल इंडस्ट्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री होलसेल बिग बाजार्स बहुत सारे लोग ईआरपी यूज करते हैं ठीक है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के काम में नहीं होते बहुत सारे लोग ईआरपी को यूज करते हैं फूड एंड बेवरेज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ये सब लोग यूज करते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री आल्सो यूजेस देम कंस्ट्रक्शन एंड मेनी मोर विद इक्विप ईआरपी प्रोसेसिंग ऑर्डर्स एंड जनरेटिंग इनवॉइसेस कैन बी डन इन अ फ्यू सेकंड्स एक सेकंड में होता है बिलिंग जनरेट हो गया फाइनेंस के पास चल गया फाइनेंस से अगर हमने उधारी पे माल बेचा है तो वो मेरे डेटर्स में दिखेगा अगर मैंने उधारी पे माल खरीदा है वो मेरे क्रेडिटर्स में अपडेट हो जाएगा मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएगा मेरे ट्रायल बैलेंस में मेरे बैलेंस शीट में सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा व्हिच अल्टीमेटली इंप्रूव कस्टमर सैटिस्फैक्शन विद ऑल हिज ऑपरेशंस इंटीग्रेटेड इनटू वन सिस्टम Jocko can now work more efficiently. Jocko can work more efficiently and now he is happy. And focus on improving his business. He can improve. He can put his brains and minds into focusing and improving his business. मैंने तुमको बोला था वो executive का काम करेगा, floor work का काम नहीं करेगा, administration का काम अब वो नहीं करेगा. Visit Hash Micro for further information. अरे अच्छे से समझ में आया सबको. कोई तो भी at least for my satisfaction tell me what is ERP. मेरे सीए की क्लास में सीएस की क्लास में सब बच्चे आफ्टर द कंसेप्ट आंसर देते हैं अभी क्या करता है इंटीग्रेट मॉड्यूल्स इट इंटीग्रेट्स द मॉड्यूल्स सो माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच मॉड्यूल्स डज इट इंटीग्रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया वेरी गुड अब मुझे बताना तुम लोगों ने ये सब बताया मुझे बताना ईआरपी की जरूरत क्यों है जोको को ईआरपी की जरूरत क्यों पड़ी ये वीडियो से हमको समझ में आ रहा है इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कोई बता सकता है बिजनेस साइकिल ठीक से चलने के लिए वेरी गुड बिजनेस साइकिल ठीक से चलने के लिए टाइम कम यूज हो टाइम वेस्टेज कम हो नेक्स्ट हाईली फ्लेक्सिबल हाईली फ्लेक्सिबल हो सके हम रियल टाइम डाटाबेस शेयर कर सकते हैं और To earn more profit, you can pay more attention to the business than to the administration work. Very good. Yes. To make maximum. Easy to use. क्या बोल रहे हो? Easy to use हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा graphical हो जाता है reports बहुत ज्यादा generate करता है हम ERP में और ज्यादा चीजें पढ़ेंगे It generates report. ऐसे reports generate होते हैं मैं बोलूँ कि अरे मेरे को production department की details चाहिए मुझे for example accounts के details चाहिए पेरोल्स के डिटेल्स चाहिए मुझे एचआरएम के डिटेल्स चाहिए सब कुछ इजीली मिल जाता है हेंस इट इज इजी टू यूज वेरी गुड आगे और क्या फायदा लोअर कॉस्ट एंड यस वेरी गुड यस गौतमी टू अवॉइड मेस टू अवॉइड द मेस जैसे वहां उसके पेपर्स यहाँ वहां हो रहे थे सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा देयर वुड बी नो लॉस ऑफ डेटा देयर वुड बी नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा Everything will be integrated. हर किसी को availability पता चलेगी. Yes, आगे और कोई कुछ बस बोलो. यश बिल्कुल answer नहीं दे रहा है. Highly disappointed. बोलो. यश you have to make maximum sales. To make maximum sales. To maximize the sales. ERP is definitely makes sense. क्योंकि जब मैं कोई customer को proper satisfaction दूंगी, जब वो goods मांगता है, उसको time पे deliver दूंगी. नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास ही आएगा ठीक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लीड्स टू सेल्स जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ईआरपी की जरूरत होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास अगर बहुत ज्यादा आइडियाज है बहुत ज्यादा मैन पावर है मनी है सब कुछ है मशीनरीज है मटेरियल्स है बट यू डोंट हैव
planning embedded in your structure, you cannot, matlab you cannot be successful, you cannot earn the maximum, matlab maximum profit tum nahi kama sakte ho agar planning nahi hai. Planning ke liye ERP is a very great tool. Theek hai, hum logon ne kafi concept samajh liye, questions bhi maine puche, hum ab aage badhte with the textbook. Okay, फिर से हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमको और क्लैरिटी मिलेगी. ओके, जस्ट अ सेकंड. हम लोग अब 6.3 के नीचे वाले फॉर बेटर बेनिफिट एंड एफिशिएंसी ईच डिपार्टमेंट मस्ट नो व्हाट द अदर डिपार्टमेंट्स आर डूइंग. जैसे मैंने तुमको बताया, हर डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए. अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, सबका जो डाटा बेस है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, हर किसी को एक्सेस करना चाहिए. जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल, हम लोगों ने एक वो वीडियो बनाई थी, वो कोरोना वायरस की वीडियो बनाई थी, तो हमने ग्रुप बनाया था जहाँ पे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, नुपुर इन लोगों ने, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उन्होंने कॉमन डाटाबेस शेयर किया था. क्या शेयर किया था? कि 10 सेकेंड्स का ये बोलेंगे, इसके आगे के 10 सेकेंड्स का ये बोलेगा या ये बोलेगी, एक्स वाई जी. ठीक है, तो सबको मालूम था, यानी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, यानी ईच एंड एवरी पर्सन न्यू उसके पहले का पार्ट कौन करने वाला है, उसके बाद में का पार्ट कौन करने वाला है. इस वजह से वी वर एबल टू मेक द वीडियो ऑफ आवर ओन ऑफ द अलॉटेड वर्क. हेंस वैसे ही डिपार्टमेंट में अगर तुमको पता रहेगा कि आगे वाले डिपार्टमेंट क्या कर रहा है या उसको कौन सा डाटा चाहिए, सो यू कैन फंक्शन वेरी स्मूथली. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? मैं आगे बढ़ती हूँ. An enterprise can be considered as a system and all its department as its subsystem. Enterprise क्या होता है? बड़ा system होता है और जो उसके अंदर departments work करते हैं वो उसके subsystem होते हैं. जैसे कि manufacturing unit कोई है, for example, car की manufacturing हो रही है, ठीक है, assembly हो रही है, तो car की जो assembly है वो main है enterprise. उसके अंदर for example उसके tires है, उसका जो raw material है, production department है, finance वाला, ये सब क्या है? उसके sub departments है. ठीक है, information about the entire enterprise can be stored in a centralized database. Her enterprise ka jo bhi data hai centralized database mein stored hona chahiye. Guma guma ke wahi baat kar rahe. And it is made available to all the departments. Clear hai? As it has been seen in figure 6.3. Aage badhte hain. What is the time? Ek second, just a second. Hum karenge. Conceptually, ERP replaces the old standalone computer systems in each area of an enterprise such as finance, human resource, manufacturing, sales, etc. with a single software program that facilitates various functional modules. Thus, employees in any department can get the required information related to activities of the respective department. In addition to this, the information will be available across the departments. For example, finance departments can use ERP to see if any sales order has been shipped from the warehouse so as to make further payments. ये देखो क्या बोलना चाहता है? Actually he's telling the same thing but in a different way. वो कहता है ERP replace कर देता है, substitute कर देता है, बदल देता है old standalone computer in each department. पहले क्या होता था? Sales department में एक computer होता था जहाँ पर एक software होता था जिसमें उस department से related information जाएगी. Second department D है, उसका कंप्यूटर होगा, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी. सी डिपार्टमेंट में उसका कंप्यूटर होगा, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी. अब ये एक एक कंप्यूटर एक एक डिपार्टमेंट में रिप्लेस हो जाता है. कैसे रिप्लेस होता है? एक सिंगल सॉफ्टवेयर है ईआरपी, तुम उसको फोन में भी ओपन कर सकते हो, तुम उसको एक कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हो, कहीं भी ओपन कर सकते हो. एक ही जगह डाटाबेस जाएगा, तुम कहीं से भी डालो, जाने तो एक ही जगह वाला है. सो इट रिप्लेसेस वन कंप्यूटर इन वन डिपार्टमेंट एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी wherein द डाटा इज एंटर्ड and it is accessible by anybody from any department. For example, Gautami, Janvi, Jay and Khushi, char departments hai. Agar Khushi kuch update karti hai, Jay kuch update karta hai, Janvi kuch update karti hai, Gautami kuch update karti hai, ye charo jane ek dusre ka database dekh sakte hai. Is wajah se, because of ERP. Fir unhone ek example diya hai, kya example diya hai? For example, sales department ko agar pata chal jata hai ki सेल हो चुकी है तो वो कहाँ का अपडेट हो जाता है? अपने आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में. फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या मेक श्योर करता है? कि वो अकाउंट्स में डाल दे कि सेल हो चुकी है, कैश रिसीवेबल है तो कैश में ऐड कर दे, अगर ये क्रेडिट पे बेचा हुआ है तो डेटर्स में दिखा दे. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ शेयर्ड डेटाबेस, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी इज क्लियर.
I'll be asking some questions before I end the session. Okay, the next question is very important. Tell me, what is the major advantage of ERP which was not there in the traditional practices? Yes, koi bata sakta hai? Kya advantage hai? सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है. सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो रहा है. यस, वेरी गुड. तुमको पता है जो जो ऐसे रिटेलर्स जैसे होते हैं, उनके जो होलसेलर्स होते हैं, वो भी अपडेट करते हैं बिकॉज ऑफ ईआरपी. बिग बाजार के जो बहुत ज्यादा ब्रांचेस है अलग अलग जगह, उनके भी हेड ऑफिस में अपडेट होता है जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ईआरपी. ठीक है, और मुझे बता सकते हो कि वॉट इज देयर इन ईआरपी दैट वॉजेंट प्रेजेंट इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस? क्या फायदा हो रहा है हमको? और ओम ने बताया कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड हो रहा है. और बताओ. यस, टाइम कंज्यूमिंग. सॉरी गौतमी, व्हाट यू ट्राइंग टू से? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एकदम टाइम कम लगता है. ओके, आगे मैम. ऑनलाइन हो रहा सब. ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, रियल टाइम सबको मिल रहा है. क्यों? क्योंकि डेटाबेस सब कुछ शेयर्ड है. मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, फ्लेक्सिबली उसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ. मृगाली, कुछ बोल रहे ईआरपी में क्या है जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे में नहीं था? ठीक है, तुमने टाइम बोला, तुमने बाकी पॉइंट्स बोले, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, टाइम कम बचता है, रियल टाइम सब कुछ मिलता है, और सब डिजिटल हो गया. अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है इन अनदर वे. और Everything is sorted. There is no clutter and there is no mess. Everything is sorted. That means time कम लगता है उसके लिए, cost कम लगता है, profit बढ़ता है, sales बढ़ते हैं. जो executive level का person है वो बाकी चीजों पे ध्यान दे सकता है. ERP is an umbrella term for a complicated type of software setup. ERP can be very simple once you understand its purpose and the depth involved. So let's take a look at that now. And it really can help your business grow and connect better. It can be customized and tailored to your needs. Your business is unique and has individual requirements that need specific software solutions. When you roll out an ERP system, you open up access to task management, human resources, fleet management, bills, expense management, purchase orders, project management, invoicing, stock management, quotes, asset management, API access, payment gateways, shop implementation, NFC capabilities, dashboards, detailed reports, point of sale terminals, 24/7 support. Now let's say you have a warehouse. This warehouse stocks all of your products. When a product is ordered, it will automatically schedule delivery. एक सेकंड, मैं एटलीस्ट कैप्शंस ऑन रखती हूँ तो तुमको एटलीस्ट समझ में आएगा. आवाज नहीं आई तो भी यहाँ से ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हारा एक वेयरहाउस है तो देखना तुम्हारा साइकिल ऑटोमेटिकली कैसे होता है. ठीक है, थोड़ा सा पीछे लेके मैं फिर से प्ले कर रही हूँ, ध्यान देना प्लीज. It will automatically schedule delivery and arrange who should prepare the product. डिलीवरी भी शेड्यूल कर देंगे कि कब डिलीवरी देखनी है वेयरहाउस में, देख के कौन प्रिपेयर करेगा. ठीक है, कैसे अरेंज किए जाएंगे. Then provide monitoring in transit through fleet management and even fleet management से वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे ट्रांजिट कैसे आगे आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक पहुंचा, डिलीवरी तक पहुंचने में कितने दिन है. अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो कस्टमर को अपने आप मैसेज चले जाएगा. बाद में अगर समझो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इन्वेंटरी अवेलेबल नहीं है, इन्वेंटरी वालों को मैसेज चला जाएगा. तो ये सब कुछ इंटीग्रेट करता है. Replenish that product all automatically. If you didn't mention a feature, no problem. It can be customized. Need fields adding, editing or taking your company's language, no problem. Changed. ERP has advanced. वो क्या कर सकता है? वो हर चीज कर सकता है. इनवॉइसिंग कर सकता है, इंटीग्रेशन कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है. मेरे को कोई फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर चीज कस्टमाइज चाहिए, डैशबोर्ड. कल मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एक्चुअली ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का. तुम लोग समझ पाओगे कि मैंने डाटा डाला तो कहाँ कहाँ वो इफेक्ट देता है, कहाँ कहाँ पे उसका इफेक्ट दिखता है, कैसे वो इंटीग्रेट करता है. कल हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे. आई होप टुडे सेशन वाज यूजफुल, अंडरस्टैंडेबल. अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन सी
freely feel free to call me. Okay, with this we end the session. Yes, Jay. Yes, ma'am. Bye.